थे, ये सारी शख्सियतें आज इस कार्यक्रम में विराजमान हैं जो करनाहा की तस्वीर को चमका रही हैं, यहाँ की तकदीर को संवार रही हैं। और हमारे लिए फख्र की बात है कि आज हम उस मुद्दे पर चिंता जाहिर कर रहे हैं जिस मुद्दे पर आज सारी दुनिया चिंता जाहिर कर रही है। ये वही मुद्दा है और आज सारी दुनिया उस मुद्दे पर विचार विमर्श कर रही है। विचार विमर्श इसलिए कर रही है क्योंकि सारी दुनिया में ये मुद्दा बहुत गंभीर रूप धारण करता जा रहा है, और खास करके जब हम करनाहा की बात करते हैं तो चिंता हमारी और बढ़ जाती है। चिंता बढ़ने के कारण भी जायज हैं। जब हम करनाहा को देखते हैं, यहाँ के बाशिंदों को देखते हैं, यहाँ के हालातों को देखते हैं, यहाँ की स्थितियों को देखते हैं, यहाँ की खूबसूरती को देखते हैं, यहाँ की नेचुरल जो रिसोर्सेज उनको देखते हैं, तो मन बड़ा बाग बाग होता है, बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ी खुशी होती है। लेकिन ऐसे ही करनाहा में जब हम दूसरे पक्ष को देखते हैं, जहां हमारे नौजवान नशे की गर्त में, नशे की आदत में पड़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें हम सबके चेहरे पर खड़ी हो जाती हैं। दूसरा विकास वो होता है जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। हाजरीन, अगर एक तरह का विकास हो भी जाता है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो जाती है, हमारे गांव में, हमारे शहरों में अच्छी सड़कें बन जाती हैं, अच्छे अस्पताल बन जाते हैं, अच्छे भवन बन जाते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बन जाती हैं, तो क्या लगता है कि मानव संसाधन विकास भी हो जाएगा, वहां के लोगों का विकास भी हो जाएगा? जी नहीं, ये एक तरफा विकास है। अगर हम संपूर्ण विकास करना चाहते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एक तरह का विकास है, और जब हम संपूर्ण विकास की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको मानव संसाधन विकास यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करनी होगी। और जब हम मानव संसाधन की विकास की बात करते हैं तो उसमें दो पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला पैरामीटर स्वास्थ्य का पैरामीटर और दूसरा पैरामीटर एजुकेशन का पैरामीटर। आज हम स्वास्थ्य के पैरामीटर की बात करें क्योंकि अगर हम कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं, संपूर्ण विकास की बात करना चाहते हैं, हमको इस पर चिंतन जाहिर करना होगा। अगर हम एक तस्वीर को देखने की कोशिश करते हैं और करनाहा को देखने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से करनाहा में डेवलपमेंट हुई है वो अपने आप में बहुत ही एग्जाम्पलरी है। यहाँ के स्कूल, यहाँ की इमारतें, और जिस तरह से गुडविल स्कूल चल रहे हैं और इतने सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, वो अपने आप में एक नज़ीर की तरह है। लेकिन जब हम मानव संसाधन की विकास की बात करते हैं और उसमें भी हेल्थ पैरामीटर की बात करते हैं, तो हेल्थ में हेल्थ केवल फिजिकल हेल्थ नहीं होता है। जब हम स्वास्थ्य मानकों की बात करते हैं तो उसमें हम तीन तरह के मानकों की बात जरूर करते हैं। हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं, और फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मैं इमोशनल हेल्थ की बात भी करूंगा। हाजरीन, हम तब तक विकास की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाएंगे जब तक ये तीनों तरह का स्वास्थ्य हमारा मुख्य धारा में नहीं आएगा। यानी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ हमारा एक रूप नहीं होगा, इंटेग्रेटेड नहीं होगा, तब तक हम विकास की मुख्य धारा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज चिंता की बात है कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोध दिवस मना रहे हैं, और ये सीधा सीधा जो मानसिक स्वास्थ्य है और इमोशनल स्वास्थ्य है उससे जुड़ा हुआ मामला भी बनता है। हम समझा बुझा के, काउंसलिंग करके और थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट देके, बड़ा ट्रीटमेंट की उनको जरूरत नहीं होगी जो कभी कभार नशा करते हैं, थोड़ा बहुत ओपीडी बेसिस पर उनको मैनेज करना होगा, ये हम कर सकते हैं। तो हमको इस अप्रोच के ऊपर काम करना होगा। और तीसरी अप्रोच जो बहुत कम लोगों के लिए चाहिए होगी, इलाज की जरूरत। इलाज करना इतना मुश्किल नहीं है। हम खुशकिस्मत हैं कि अपने गुडविल अप्रोच के माध्यम से शक्ति विजय ब्रिगेड इतना संजीदगी से इस मुद्दे के ऊपर चिंतन कर रही है, सोच रही है और क्रियाशील है। ब्रिगेड के जो ऑफिसर्स हैं, साहिबान हैं, उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि हम ट्रीटमेंट मॉडल के ऊपर भी काम करेंगे ताकि हमारा कोई भी व्यक्ति नशे की बीमारी के कारण अपनी जान ना दे। मॉडल को अच्छा बनाने के लिए हम यहाँ अच्छी से अच्छी जो टेक्निक है, दुनिया का सबसे, इंडिया का सबसे बेहतर मॉडल जो है वो एम्स का मॉडल है। एम्स के ट्रीटमेंट मॉडल को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ के जो डॉक्टर्स जिनकी सिलेक्शन या जो जिनको सिलेक्ट किया जाएगा या जिस सेंटर की फिजिबिलिटी की जाएगी, उनको एम्स से ट्रेनिंग करके यहाँ ये सर्विसेज भी दी जाएंगी। जरूरी है, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में करनाहा को और तंगधार को नशा मुक्त बनाने के लिए हम सब एकजुट होंगे और इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये मुहिम केवल शक्ति ब्रिगेड, विजय ब्रिगेड के जरिए वो जरिया हो सकते हैं, उनका मार्गदर्शन हो सकता है। लेकिन जब तक करनाहा की सारी कम्युनिटी, यहाँ के नौजवान, यहाँ के सीनियर सिटीजन और यहाँ की ठीक है, आपकी मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? सरपंच साहब, आज की ताजा खबर क्या है? आज की
आज की ताजा खबर यह है कि करनाह में 7 किलो ब्राउन शुगर पकड़ा गया और पकड़ने वाले को उम्र भर की सजा। अफसोस, क्या होगा हमारा और हमारे बच्चों का और आने वाली नस्लों का। अफसोस 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 अफसोस। सरपंच साहब, मुझे घर पर थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ। मुझे भी चलना चाहिए, मुझे दुकान पर जाना है। मैं फंक्शन में बैठने बात करता हूँ। मैं फंक्शन में बैठने बात करता हूँ। रुको एक मिनट, खाली बैठ जाओ। एक मिनट वीडियो में बैठ जाओ। आ जाओ बेटे। अनीश, क्या हुआ? अबाजान ठीक हो? मैं ठीक हूँ। अबाजान, मेरे सारे दोस्त बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। बेटा अनीश, तुम्हें पता जो है हमारे घर घर की कैसी हालत है। अबाजान, ये लोग की बार बार नहीं आते। मैं कुछ करता हूँ, तुम जाओ। ठीक है अबाजान। इसको मैं बेचकर अपने बेटे के लिए पैसे लाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम सरपंच। अस्सलाम वालेकुम सरपंच साहब। वालेकुम गुल मोहम्मद। बोलो क्या काम है? ये मेरी बीवी की कंगन है, इसे गिरवी रख लो। क्या चाहिए? थोड़े से पैसे दे दो। कोई बात नहीं। सरपंच साहब, चलो मैं चलता हूँ। चलो कोई बात नहीं। बेटे अनीस जी। अबाजान, तुम जाओ, तैयार हो के आ जाओ। कहाँ जाना अबाजान? मैं तुम्हें बाहर पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ। सच है अबाजान? हाँ सच। क्या तुम तैयार हो के आ जाओ? जी अबाजान। अबाजान, मैं तैयार हो के आ गया। अबाजान, खूब पढ़ाई करना, खूब मन से पढ़ना। जी अबाजान। खूब अच्छी तरह पढ़ना। जी अबाजान। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम सलाम। मैंने सुना है कि तुम बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हो। हाँ, तुम क्यों नहीं आ जाता मेरे साथ? यार तुम्हें पता है ना मेरे घर की हालत कैसी चल रही है। चल फिर, ठीक है। अच्छा तुमने पढ़ लिया तो समझो मैंने भी पढ़ लिया। ठीक है ठीक। बेटे जुबैर, अनीस बेटे को बाहर तक छोड़ दे। चलो। वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? चल रही है। नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है। चलो भाई, चलो। क्या ये क्या है? क्या ये? नहीं नहीं चलो भाई, हम चलते हैं। माल खत्म हो गया।
अरे रात को जो तेरे पास सब खत्म हो गया, तू कुछ कर। रुक जा मैं कुछ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो जी? बस ठीक अब्बा जान, आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ। पढ़ाई कैसे चल रही है? ठीक चल रही है। अब्बा जान मुझे बुक्स के लिए थोड़े से पैसे चाहिए थे। चलो मैं कुछ करता हूँ। जी अब्बा जान मैं रखता हूँ। सरपंच साहब से मदद लेनी। अस्सलाम वालेकुम सरपंच साहब। वालेकुम सलाम गुल मोहम्मद, आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? बस ठीक। थोड़े से पैसे चाहिए थे। कोई बात नहीं ले लेना। शुक्रिया। शुक्रिया कोई बात नहीं। चाचा जान आपने मुझे बुलाया? हाँ मैंने बुलाया। क्यों? ये पैसे इनीस के अकाउंट में डाल दें। जी चाचा। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान। वालेकुम सलाम बेटा अनीस, मैंने पैसे डाल दिए हैं। जी अब्बा जान हाँ मुझे मैसेज आया। ठीक है, खूब बढ़ना। जी अब्बा जान अच्छा मैं रखता हूँ। खबर मिली क्या? क्या पैसे मिल गए? पैसे लाना देसी। देसी। हाँ मिल गया। चलो भाई अपनी क्लास में पास हो गया। पास हो गया? जी अब्बा जान। पास हो गए? जी अब्बा जान मेरा बेटा पास हो गया। अच्छा तुम्हें फूल रखो। मेरा बेटा पास हो गया। मेरा बेटा पास। चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट क्यों है? मेरा बेटा पास हो गया है। रुको मैं चेक करता हूँ मेरे पास है लिस्ट। नहीं फिर से चेक कर यार, खुद देख ले तेरा बेटा फेल है। तू मेरी छोड़, पहले बता अब्बा जान कहाँ हैं? यार पहले मुझे बता तूने ये क्या हालत बना रखी है। पहले बता अब्बा जान कहाँ हैं? गुजर गई। क्या गुजर गई? जैसे कि आप सब ने इस कहानी में देखा, ये जैसे कि आप सब इस कहानी में देखा, ड्रग्स की वजह से पूरा परिवार खत्म हो गया।
मैं आप सब पेरेंट्स से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप अपने अपने बेटे पर कड़ी से कड़ी नजर रखें, दूर पार ना भेजें। जजाक। Use it for continue till he is dead. So preparatory forms stage, former attitude and belief about smoking, trying stage, smoking first few cigarettes, जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में होते हैं. Countries where lung cancer is very common. Effects of smoking on circulatory system. Decrease circulation, circulation decrease. That means there are more chance of heart attacks and MIs. Increase. कोई मामूली बात नहीं है. Tamil Nadu first और second करना. तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है. कल्चर के जितने भी बच्चे थे जिन्होंने स्किट पेश किया वो भी स्टेज के नजदीक आ जाए. ड्रीम वैली के टीचर अगर कहीं हैं तो, और एक अभी इतला मिली कि गुंजन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इनको सर्टिफिकेट और साथ में कुछ कैश प्राइज जो है वो वहां से भेजी जाएगी और चंद दिनों के बाद इन बच्चों के पास पहुंच जाएगी. बात तशरीफ रखेंगे कमांडर साहब, उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, बात करेंगे. शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू. मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई और आज जो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है आप सबके सामने कुछ बोलने के लिए तो मैं बोलना चाहूँगी. बिकॉज ये कई यू नो कभी कभी कुछ ऐसे मौके होते हैं जहाँ पर इंसान कुछ बोल सकता है. हर दिन ऐसा नहीं होता, कभी कुछ बोलना तो मैं कुछ बोलना चाहूँगी. तो फर्स्टली क्या बात होती है कि हम सब जानते हैं ड्रग एडिक्शन होता क्या है. किसी भी इनटेक ऑफ यू नो स्मोकिंग करना, अल्कोहल इनटेक ऑफ अल्कोहल, इंजेक्शन या मेडिसिन लेना, इसको हम ड्रग एडिक्शन बोल सकते हैं. एक चीज़ के इंसान को जब आदी बन जाते हैं, जब कोई इंसान ड्रग लेना शुरू करते तो वो उसके आदी बन जाते, उसको वो लेनी ही है चीज़. वो इसके ज़िद करने लगता कि नहीं मुझे वो चाहिए. अगर इस ज़माने में मैं देखूँ मैं अपने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो बच्चे तो गलत थे ही. अगर पेरेंट्स भी गलत, अगर एक बाप साइड पे बैठ के स्मोकिंग कर रहा होगा तो बच्चे को देख के उसमें ये तो ख्याल आएगा कि देखो मेरा बाप कर रहा है तो मैं क्या नहीं कर सकता. उसके ख्याल में जब हम छोटे होते हैं बच्चा हम क्या बोलते हैं उसे कि पेरेंट्स उसे सब कुछ चीज़ सिखाते हैं, टीचर्स भी सिखाते हैं, पेरेंट्स भी. जब पेरेंट्स ही गलत होंगे तो बच्चे पर क्या असर पड़ेगा. तो पेरेंट्स को भी इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, खाली बच्चों को ही नहीं, टीचर्स को नहीं, पेरेंट्स को खुद इंडिविजुअली उनको बैठ के समझाना चाहिए. उनको भी अपने बच्चों के सामने ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उनको ना अपनी भी सेहत खराब होती है और बच्चों को भी ये गलत चीज़ें सीखने में आती हैं. तो मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँगी ये कह के कि से नो टू ड्रग्स. और आपको पता है आज मैं आप सबके सामने कैसे बोल सकती हूँ इतना सब कुछ, बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स, मेरे टीचर्स और मेरे बिलव चाचू आरिफ अजीज़ मलदाल. उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इनक्रेज किया, हमेशा मेरी साइड पे खड़ी रह के हर चीज़ें मुझे आगे रखा है और इसलिए आज मैं आप सब लोगों के सामने इतना कुछ बोल सकती हूँ. मैं इन सब का शुक्रिया करना चाहूँगी, अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स का, कि आज मैं मुझे इस काबिल बनाए कि मैं आज आप सबके सामने कुछ बोल सकूँ. थैंक यू बेटा. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما. السلام عليكم everyone, this is Farid Nazir from 10th standard from GHS Kandi Karna. Today I'm here and I'm very grateful to those who are always by my side. And yes, yahan par 26 जून हमारा ये ड्रग्स से नो टू ड्रग्स एक कंपटीशन था जिसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया था. एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट सेकंड प्राइज एंड आई गॉट सेकंड पोजीशन. आई एम सेकंड पोजीशन होल्डर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू माय लॉर्ड, द क्रिएशन ऑफ द ओनर ऑफ एवरी क्रिएशन, अल्लाह सुबहान ताला. थैंक यू अल्लाह सुबहान ताला. एंड सेकेंडली यस आई एम थैंकफुल टू माई पेरेंट्स हु हैव डन सो मच फॉर मी. एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट माई स्पिरिचुअल पेरेंट्स, माई टीचर्स. थैंक यू एवरी वन फॉर सपोर्टिंग मी, गाइडिंग मी. एंड थैंक यू also I would like to thank my cousin, my loving cousin Arif Aziz Maldial, who has always by my side and he always support me
वेरी वेल एंड यस आज मैं कुछ ऐसा भी बोलने जा रही हूँ जो लाइक जो डिप्रेस्ड हैं यस बहुत सी मेजॉरिटी जो अगर हम बात करें तो फैमिली में मेजॉरिटी फैमिली ऐसी होगी जिसमें कोई ना कोई मेम्बर तो ऐसा ज़रूर होगा जो डिप्रेस्ड होगा एंड द बिटर ट्रूथ इज़ हमारे यंगस्टर्स यस एवरीवन हमारे यंगस्टर्स जो इन्वॉल्व हैं ड्रग एडिक्शंस में और भी कई तरह की एडिक्शंस में लाइक फोन एडिक्शंस गेम एडिक्शंस पोर्न एडिक्शन एंड सो ऑन तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क यू व्हाई यू आर डिप्रेस्ड जस्ट आस्क योरसेल्फ व्हाई यू आर डिप्रेस्ड तो यहाँ पर मैं अपना कुछ नहीं बोलना चाहती लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ जो अल्लाह सुबहान तआला ने कहा अल्लाह सुबहान तआला हिमसेल्फ सेड इन कुरान दैट whoever turns away from my remembrance indeed he will have a depressed life yes my friend now ask yourself how much you are connected with allah subhanahu wa taala just ask yourself and be honest with yourself ki aapki jo 5 time prayer hai kya wo aap complete kar rahe hain jo aakhri time tha aapne quran kab khola tha yes the kalam of allah subhanahu wa taala quran the holy book of muslims and as a believer kya hum har roz use padhte hain ये आपको खुद ही पता होगा एंड सम ऑफ द ड्रग एडिक्टर्स थॉट मे बी दैट दे फील डिप्रेस्ड दे फील सैड बिकॉज दे डोंट हैव मनी दे डोंट हैव फ्रेंड्स दे इवन फील लाइक लूजर दे फील लाइक लूजर्स एंड से दैट देयर पेरेंट्स डोंट लविंग देम बट लव मी ऑनेस्ट माय फ्रेंड्स you feel like you are depressed just because you don't have money you are falling into drug addictions and you are falling into drug addictions and just because you think you don't have money and you guys are doing very awful because your ideology is very worse because I want to tell you something that once Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in Quran that who else hold firmly to Allah subhanahu wa ta'ala indeed he will have a on a straight path so I want to tell you guys we have to connect with Allah subhanahu wa ta'ala and as much as we can do we should connect with Allah subhanahu wa ta'ala and our dunya and akhirah both will change and our priority should be our deen and assalamu alaikum jazakallah